वीडियो से पवन सिंह को सीखना चाहिए कि कहाँ गलती हुआ, कहाँ मिस्टेक हुआ कि हमारी पिक्चर तो कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है फ्लॉप दिख रही है, लेकिन फ्लॉप नहीं होना चाहिए था, इसलिए धार्मिक तरफ कहीं ना कहीं आप देखेंगे लाखों करोड़ों रुपया संघर्ष टू पर खेसारी जी आदमी हमको मिले टिकट जो कटाए हुए थे वो टिकट वापस हमको ठेल ठेल के हटाने लग गया, बोला कि हटी हटी नहीं दिखा। अभी हमारे साथ मौजूद है गंगा न्यूज के ऑनर, मोती सिनेमा में गए जो कि संघर्ष टू का प्रमोशन। आपके साथ क्या हुआ था उस दिन जब आप वीडियो के लिए मोती सिनेमा हॉल गए थे? अरे हम लोग तो अचानक दिखाते हैं कि आखिर रिव्यू ले रहे थे हर पिक्चर को लेकर के, जो कि काफी जो चल रहा था सोशल मीडिया पे, तो आखिर हर जिले से हर स्टेट से आ रहा था कि आखिर क्या हालत। हम लोग भी गए अचानक दिखाने के लिए, तो अचानक हम दिखाने के लिए गए तो अपना सारा चीज देखिए रहे हैं, पोस्टर वोस्टर बोलते हुए गए वहाँ काउंटर के पास, जो कि दो आदमी हमको मिले टिकट जो कटाए हुए थे वो टिकट वापस कर रहे थे, तो हम वही पूछ रहे थे, वही लोग बता रहे थे हमको, जब तक दूसरा लोग एक आया कर्मचारी था कौन था पता नहीं, तो टोपी लगा के आप लोग देखे होंगे, वो हमको ठेल ठेल के हटाने लग गया, बोला कि हटी हटी नहीं दिखाना, बोले भी कि हम प्रचार करना चाहते हैं, उसको दिखाना चाहते हैं, प्रमोशन करना चाहते थे, हमारा यही था मकसद, तो हटाने लगा। तो ऐसा ऐसा रवैया रहेगा तो पिक्चर चलेगा, बड़ा रिस्पेक्ट से बोलना होता किसी को, तो हमारे एक पत्रकार के साथ दिखाने वाले के साथ ऐसा ही लुक करते हैं तो हॉल में क्या होगा। एक तरफ कहीं ना कहीं आप देखेंगे लाखों करोड़ों रुपया संघर्ष टू पर खेसारी जी खर्चा करते हैं, प्रमोशन करते हैं, प्रचार करते हैं, हर जगह से वो अपना अपना वाइट देते हैं, हमारे साथ ऐसा ऐसा हमको कोई पैसा दिया था प्रचार करने, लेकिन मेरे भोजपुरी में काम करता हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि चलिए दिखाइए सभी को कौन कौन से हॉल में लग रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यही बात है। आप सपना हॉल भी गए थे हर हर गंगे का प्रमोशन करने के लिए, वहाँ पर तो आपके साथ कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया गया, वहाँ पर तो आप हॉल के अंदर जाकर दिखाए कि देख लीजिए आज कितने आदमी हर हर गंगे को देखने के लिए आए हैं, उसका भी तो आपने प्रमोशन किया, क्या लग रहा है हर हर गंगे कैसा फिल्म है? अब मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि हम गलत वीडियो बनाए हैं, तो मैं गलत नहीं बनाया हूँ, मेरा ये मकसद कतई नहीं था, मैं दिखाना चाह रहा था कि लोग कितने हैं, कितने, तो आप लोग जाहिर सी बात है वीडियो कभी झूठ नहीं बोलता है, तो हम गेट पे से ही अंदर बोलते हुए गए, अंदर गए तो हमको क्या पता है कितना आदमी है। आखिर एक मिनट भैया, आरा के पवन सिंह है, आरा के धरती से उनको आरा का शेर बोला जाता है, आरा के शेर है, लेकिन उनका वीडियो यानी फिल्म जो हर हर गंगे रिलीज हुआ तो आखिर क्यों नहीं चल रहा है, क्यों आरा के लोग पवन सिंह को पसंद नहीं कर रहे हैं? देखिए ऐसा बात नहीं है, लोग ज्यादा यूट्यूब पर फेसबुक पर आके कमेंट करते हैं, चाहे पवन सिंह आ जाएगा ना, पवन भैया जिंदाबाद, पवन भैया जिंदाबाद, पवन सिंह को देखने के लिए इतनी भीड़ लगती है, फोटो खिंचवाने के लिए, फिल्म देखने के लिए भीड़ क्यों नहीं लगती? बिल्कुल, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा जितने लोग गाली दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमारे, तो आप लोग एक बार पिक्चर क्यों नहीं देखने जाते हैं? जितने लोग से लोग हैं अगर पवन सिंह को मानते हैं तो उनका पिक्चर देखिए, मेरा ये कतई नहीं है कि मैं गलत चीज दिखाऊं, लेकिन जो सच्चाई है मैं दिखाऊंगा, मैं पवन सिंह को हवा के गुब्बारे में नहीं रखूंगा, ठीक है ना। देखिए हर हर गंगे भोजपुरी में नंबर वन पिक्चर है, क्योंकि हमारी गंगा जी का सफाई अभियान जो स्वच्छता पे ये पिक्चर पवन जी ने बनाया है, एक्टर भी इसमें बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो ये पिक्चर जो है कि बहुत सुपर ब्लास्ट होना चाहिए, लेकिन पता नहीं पवन जी प्रचार नहीं किए, क्या नहीं किए, क्या हुआ ये पिक्चर नहीं चला, लेकिन इस वीडियो से पवन सिंह को सीखना चाहिए कि कहाँ गलती हुआ, कहाँ मिस्टेक हुआ कि हमारी पिक्चर नहीं चली, जो कि आरा की बात और जगह की, तो आप लोग रिव्यू देख रहे हैं और जगह मैं बोल भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन जी सोशल मीडिया पे चल रहा है कहाँ का क्या है। कहने का मतलब है कि खेसारी लाल का संघर्ष टू पटना में लगा, खेसारी लाल और उनके जितने आदमी हैं हर लोग पहुंचे संघर्ष टू का प्रमोशन करने के लिए, लेकिन पवन सिंह क्यों आरा नहीं आए हर हर गंगे का प्रमोशन करने के लिए, जो कि आरा आए भी तो अपना भूमि पूजन करने के लिए, भूमि पूजन में ये भी बोले हैं कि मैं सपना सिनेमा हॉल में जरूर जाऊंगा, फिर भी उनको जाना चाहिए था या नहीं, क्यों नहीं गए?
बिल्कुल जाना चाहिए था, उनका पिक्चर को प्रचार करना चाहिए था। बहुत लोग आश्रित रहते हैं इनसे मिलने से, एक फोटो से। अगर हॉल में जाते तो लाखों की संख्या आती। आइए, एक अपील करते वहां से कि नहीं, आप लोग आइए और पिक्चर को देखिए, बहुत सुंदर साफ। इतना ही बोलना था पवन सिंह, इससे ज्यादा। और इसमें तो कोई खर्चा नहीं था पवन सिंह, इसमें कोई खर्चा नहीं था, आरा आए ही थे। एक बार भैया, एक बार हॉल भैया घूम लेना चाहिए। आप क्या कहना चाहिए भाई? सुशील भैया है स्वच्छ भारत तक के ओनर है। चलिए इनसे जानते हैं इनकी क्या राय प्रतिक्रिया, इनसे भी जानेंगे। हर हर गंगे भाई, और लोग भी तो बोल रहे हैं स्वच्छता अभियान पे ये फिल्म बहुत अच्छा है और हर लोग इसको देख रहे हैं, लेकिन आरा में क्यों नहीं चल रहा है? भैया सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे देखे कि सच जो आपका जो आया है स्वच्छता अभियान पर, हर हर गंगे फिल्म तो बहुत बढ़िया है, इसलिए कि धार्मिक फिल्म है और सभी लोग देखना चाहिए। आप भी देखिए, हम भी देखिए। हम तो अभी बोले कुछ देर पहले कि जितने हम लोग मीडिया वाले सभी लोग चले देखे, इसलिए कि देखिए कहीं ना कहीं भोजपुरी को साफ सुथरा करके फिल्म को बनाया गया हर हर गंगे। इसमें स्वच्छता अभियान को लेकर, साफ सफाई के लेकर दर्शाया गया है। अब बहुत बढ़िया मूवी है, हम तो इसका ट्रेलर देखे हैं, आया है बढ़िया। कुछ कुछ सुनने को मिल रहा है कि पवन सिंह के जो फिल्म के डायरेक्टर हैं कि जो फिल्म नहीं चलता है उसका प्रमोशन नहीं किया जाता है। ये क्या बात हुआ? खेसारी लाल पटना में कमा लिए थे संघर्ष 2 का प्रमोशन किए क्या? पहले खेसारी लाल कमा लिए थे जो कि प्रमोशन किए संघर्ष 2 का? नहीं, खेसारी लाल जी तो अपना प्रमोशन किए थे, लेकिन जो है पवन सिंह को करना चाहिए आरा में। कल आरा में आए थे तो उनको कम से कम 5 मिनट के लिए सिनेमा हॉल में जाकर अपना प्रमोशन करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है फ्लॉप दिख रही है, लेकिन फ्लॉप नहीं होना चाहिए था, इसलिए धार्मिक फिल्म था। हर हर गंगे का कितने दिन से चल रहा था, सब लोग आस लगा के बैठा था कि हर हर गंगे आने वाला है, हर हर गंगे देखा जाएगा। अभी तो हम भी टीजर इसका देखे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग देखे नहीं, लेकिन हम देखेंगे इस मूवी को, हम देखेंगे। और सभी लोग से अपील करेंगे कि आप लोग एक बार देखिए भाई हर हर गंगे, साफ सुथरा फिल्म है। वहाँ हैप्पी जो बैठे हैं आरा न्यूज़ का, वो भी जाएंगे देखने के लिए।